अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आप लोगों ने यम्बो फ्लावर फेस्टिवल के बारे में तो सुना ही होगा, राइट? और बहुत सारे लोग वहाँ जा नहीं सके, कुछ लोग अपनी मसरूफियत की वजह से और कुछ लोग टूर होने की वजह से. लेकिन अब फ्लावर फेस्टिवल आ गया है आपसे बहुत करीब, यहाँ पर मक्का में. यहाँ हम लोग एग्जैक्टली मुज़दलिफा में उस जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये फ्लावर शो अरेंज किया गया है. एंड इस जगह की जो लोकेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, आप लोग प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा. उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी रश है जिसकी वजह से आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है. जगह देख रहे हैं आप, और ये जगह अभी भी जो एग्जैक्ट फ्लावर शो जहाँ पे है उससे काफ़ी दूर है. लोगों ने काफ़ी दूर गाड़ियाँ खड़ी करना शुरू कर दी हैं बिकॉज़ आगे बहुत रश हो रहा है, और हम लोगों ने भी यहीं पर ही गाड़ी पार्क की है. और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दर सलमान, और यहाँ से सब लोग बेसिकली वॉक करके जा रहे हैं आगे तक. ये इस जगह से आगे जो है गाड़ियाँ नहीं आने दे रहे हैं, और इस जगह के बाद यहाँ से सब लोग या तो पैदल जा रहे हैं या फिर ये गो कार्ट्स अवेलेबल हैं. एंड ऊपर से ठंडे ठंडे पानी की फुहार. ये हम लोग गो कार्ट में बैठ चुके हैं एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फ्लावर शो. जो है गो कार्ट्स आपको उतार रही हैं, और यहाँ से आगे आपको वापस पैदल चलना है. गो कार्ट्स बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, देयर इज़ नो चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं आपको. बहुत पीछे से लेकर यहाँ इस स्पॉट तक उतारने का कोई चार्ज नहीं है. बट ये जो रेड वाली, ये आप मिनी बसेस टाइप देख रहे हैं, इसके हैं चार्जेस विच इज़ 5 रियाल्स, और ये आपको फ्लावर शो तक लेकर जाएंगे. अगर आप इसको थोड़े से हाइट से या ऊंचाई से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो अरेबिक स्टाइल में या अरेबिक ट्रेडिशनल कारपेट जो होता है उसके अंदर जो डिज़ाइन होते हैं, ये उस डिज़ाइन पे जो है फूलों को अरेंज किया गया है. जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल और डायमंड शेप के जो पैचेस आपको दिख रहे हैं, डिज़ाइन दिख रहे हैं, ये आपको फिर उससे अंदाज़ा होगा कि अरेबिक ट्रेडिशनल जो कारपेट्स होते हैं उनमें जो डिज़ाइन होते हैं ये उस तरह से बनाए गए. बेसिकली फूलों का कारपेट बनाया गया है. तो यहाँ पे व्यूअर्स राइट साइड पे पूरा जो है ये आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लावर्स अरेंज किए गए हैं, और इसके लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर ये छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं और यहाँ पर लोग शॉपिंग कर रहे हैं. तो आपको आइए करीब से भी दिखाती हूँ मैं एक बार कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें जो है वो सेल हो रही हैं, किन किन चीज़ों के यहाँ पर स्टॉल्स हैं. ये एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ है, मैं टेस्ट करने जा रही हूँ. क्रंची और बहुत स्पाइसी, यमी.
ये इस स्टॉल पे बहुत मजे मजे के पॉपकॉर्न्स हैं. व्हिच पॉपकॉर्न्स आर दिस? दिस इज स्पाइसी. ओके. व्हाट इज दिस? एंड व्हिच वन? कुरकुम. ओके. एंड दिस वन? ओके. सॉल्ट. ओह, दिस इज सॉल्टेड. ओके. दीस आर सॉल्टी. बहुत मजे मजे की चीजें इनके स्टॉल पर आप इनको देख सकते हैं. एंड देन हवामस. और ट्रस्ट मी, ये बहुत मज़े के हैं. मैंने ट्राई किए हैं, बहुत 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 मज़े के हैं. आप अगर यहाँ पे आएंगे तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा. आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग्स बना रही हैं. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना रही हैं ये. यहाँ पर ये इनके स्नैपचैट और इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट का इंफॉर्मेशन है. एंड ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पर. इट्स रियली काइंड ऑफ क्यूट कि वो उनके लिए उन्होंने फ्लैश लाइट जो है होल्ड की हुई है. एंड शी इज़ ड्राइंग. स्टेज सेटअप किया गया है और बच्चों की एक्टिविटीज़ और गेम्स हो रही हैं और बच्चों को प्राइजेस दिए जा रहे हैं. ओके व्यूअर्स, तो इस स्टॉल पे यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से फूल हैं और बहुत प्यारे प्यारे से बुके हैं, बहुत खूबसूरत से फूल हैं कि फिल्म फूल के, और लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, बुकेज भी बनवा रहे हैं और एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन्होंने एक छोटा सा कॉर्नर बनाया है. बेसिकली छोटी सी नर्सरी बनाई है जहाँ पे ढेर सारे पौधे रखे हुए हैं और ये सब पौधे यहाँ पर फॉर सेल हैं. और इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं एरिया, यहाँ पे गार्डन फर्नीचर रखा हुआ है, फाउंटेन्स हैं, गार्डन सोफाज हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉर सेल हैं और लोग इनको खरीद रहे हैं. और यहाँ पर ये जो पौधे हैं, ये वाले ये आप पौधे देख रहे हैं, दिस वन इज़ फॉर 20 रियाल्स. ये जो फ्लावर्स के साथ जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं ये 20 रियाल्स के हैं. फ्लावर फेस्टिवल इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर तो नहीं अरेंज किया गया है, बट स्टिल इट्स ब्यूटिफुल एंड आई फील इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिलीज टू कम एंड एंजॉय. और यहाँ पर फूड स्टॉल्स हैं, शॉपिंग है और ढेर सारे फूल तो हैं ही, और फूलों से रंग है और खुशबू है. और अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी इन फूलों की खुशबू में महकने ज़रूर आइएगा. फेस्टिवल से रिलेटेड सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डू हैव अ लुक. इस ब्लॉग में फिलहाल इतना ही. आई होप आपने एंजॉय किया होगा. नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए. टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.